कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते हम लोग थक चुके हैं। पैसे वाले लोग हैं, हम लोग को दबा दे रहे हैं, तो हम अब इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पूरा कच्चा है, खाएगा नहीं, सब खराब करेगा ये। चलो उधर चलो उधर चलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी इस टाइम खेती बाड़ी का टाइम चल रहा है, तो दोस्तों मम्मी और पापा सुबह सुबह चले गए हैं खेत में काम करने के लिए, क्योंकि बीया वगैरह जो गिरा होता है उसमें बहुत ज़्यादा खर हो गया, तो उसको निकालने के लिए चले गए हैं। बीया से खर निकल जाएगा तो खेत की रुपाई हो जाएगी। और ये देखिए सुबह सुबह हमारे दोनों बेटे तो मस्त खेलने में लग चुके हैं। गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग पापा, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। गुड मॉर्निंग पापा, सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। और देखिए सुबह सुबह एकदम मस्त खेलने में लग चुके हैं। और ये इनके अंकल जी हैं, इनके चाचा जी हैं। खड़े हो जाइए, देखिए इतना बड़ा ये है, और आप भी खड़े हो जाइए। और देखिए इनसे बड़े ये हैं, लेकिन ये हैं इनके चाचा जी। क्या कहते हैं आप? भुटुली राम। देखिए क्या बना रहे हैं बेटा ये? देखिए ट्रेन बना रहे हैं। और ये क्या है? पहिया। ओ भाई साहब, ये देखिए पहिया है, कितना शानदार पहिया बनाया है। दोस्तों फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा। दोस्तों हम लोग के जो पटदार है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हम लोग की प्रॉपर्टी और देने से इनकार कर रहे हैं, इस वजह से कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का चक्कर काटना पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी तो सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर रही है, लेकिन देखिए क्या होता है, मतलब ब्लॉग पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो दोस्तों जैसा भी रहेगा इस ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, और अपने भाई के ऊपर अपना प्यार से बनाए रखिएगा। तो दोस्तों चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारी सी मैडम जी आ चुकी हैं मिट्टी लेने। खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग आ चुके हैं देखिए इतना सारा मिट्टी लेने, क्योंकि इससे खाना बनता है ना। हाँ। इससे ले गया तो तुम खाना बनेगा। हाँ, इससे मतलब जो बर्तन होता है उसको ले जाया जाता है, लेप लगाया जाता है ताकि बर्तन जले ना। हाँ, इसलिए इस मिट्टी को हम लोग लेके जा रहे हैं। अभी हो चुकी है एक खतरनाक वाली कांड। ये देखिए हमारे दोनों बेटे एकदम मस्त देखिए खेल रहे थे, और खेलते खेलते देखिए मग्गा तोड़ दिए हैं ये, और तोड़ के देखिए ये फेविक्विक लेकर आया, डर के मारे गया, सब फेविक्विक लेकर आया देखिए चिपकाने के लिए। चिपकेगा? देखिए तोड़ने के बाद इसको चिपकाने जा रहे हैं सब। ये चिपकेगा नहीं बेटा, इसको रख दीजिए, रख दीजिए इसको, ये नहीं बनेगा। क्या नहीं चिपकेगा? इसको फेंक दीजिए, ये नहीं चिपकेगा। देखिए इसको तोड़ दिए हैं लोग, और तोड़ने के बाद हाँ अब ऐसे नहाना, ऐसे पकड़ के, ठीक है ना। सब लोग जाइए खाना खा लीजिए, खाना के लिए सबको। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं निचलौ, क्योंकि कोर्ट में जाना है, तो अभी कागज वगैरह सब इकट्ठा करके अभी लेके चलना है कोर्ट में। और दोस्तों वहाँ से आने के बाद जैसा भी रहेगा फिर ब्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अभी निचलौ से आ चुके हैं, और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं। तो अभी रितेश और छोटू दोनों लोग नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं, और देखिए प्यारी सी मस्त कपड़ा पहना आ रही है दोनों लोगों को। ये तो पहन चुका है, और ये भी पहन रहा है। खुश रहा, खुश रहा। मम्मी जी पढ़ा? खुश रहा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक है? तो हम लोग ठीक ठाक है, मेरी पूरा पब्लिक ठीक है। मम्मी जी कहती है पूरा पब्लिक ठीक है, पूरा फैमिली नहीं कहते, पूरा पब्लिक कहती है। अरे हम नहीं आवरा बोले के तो वैसा कह देता ही। प्यारी सी मैडम जी अभी झाड़ू वगैरह पूरा लगा रही हैं। शाम हो चुकी है, इसलिए हम झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ शाम हो चुका है, पूरा कचरा वगैरह है तो झाड़ू लगा रही हैं। और देखिए हमारे प्यारे दादाजी आ चुके हैं। दादाजी पढ़ा? खुश रहे सब। तो देखिए इतना सारा रंग पूरा बोतल में घोर के रखा हुआ है, मौसम पूरा खराब हो चुका है, ऑटोमेटिक मौसम खराब हो जाएगा। धूप था अभी, और पूरा मतलब बादल बादल सा छा गया, लग रहा कि बारिश आएगा, अभी थोड़ी देर में फिर ऐसे हो जाएगा। हम कर शरबत, छोटू कर शरबत। शरबत कहता है? शरबत को शरबत कहता है। क्या कहता है? तो रितेश और छोटू बोल रहे हैं अमरूद खाने के लिए, तो सबको लेके आ चुके हैं अमरूद के पेड़ के पास। और देखिए सब लोग लाइन लगा के एकदम आ रहे हैं, मस्त देखिए कैसे आ रहे हैं सब। और देखिए इधर अमरूद का पेड़ है, यही अमरूद तोड़ा जाएगा। और दोस्तों इधर बहुत ही बचा के आना पड़ता है, एकदम पुरानी हवेली खंडहर है पूरा, इधर सांप वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए छोटू पहुँच चुका है पहले, इधर आओ, चलो इधर चलो, बदमाशी नहीं। देखिए अमरूद देखते ही तोड़ने लगा, लो पूरा कच्चा है, खाएगा नहीं, सब खराब करेगा ये। चलो उधर चलो, उधर चलो, एक और तोड़ना, अभी दाढ़ी तोड़ेगी। चलो उधर, अच्छा नहीं है सब, पूरा कच्चा अमरूद है ना, अभी अमरूद पका नहीं है। मम्मी देखिए तोड़ के चीख रही है, चीख चीख के फेंक रही है। कहाँ पका है? नहीं पका नहीं, बारिश आएगा तब पका। हाँ बारिश आएगा तो पक जाएगा पूरा ये। और देखिए पूरा मौसम एकदम खराब हो चुका है, लग रहा है कितना बारिश आएगा, बहुत तेज धूप हुआ था, बदराम कलर लगा। बोल रहा मम्मी जी बदराम कलर लगा है, वैसे कई कलर का हो चुका है, बादल लगा है ना, तो बोल रहा कि पूरा बदरा कलर है। वो देखिए
जा चुका है, इधर पिटाई होगा इसका भी, सांप काट लेगा उसमें अभी। तो अमरूद कच्चा है इसलिए हम लोग चल रहे हैं वापसी घर। अरे नहीं मानोगे, अरे कच्चा है। और देखिए मम्मी जिसको कह रहे हैं लेने के लिए, इसका बदलेंगे अंडा। ये प्लास्टिक का टंकी का ढक्कन है मम्मी जी, इसको बदलिएगा नहीं, जिसका होगा पूछ के दे दीजिएगा। नहीं कोई मांगता हूँ अंडा बदलिएगा, मैंने कह रहे अंडा बदलने के लिए। हाँ हाँ पहले पूछ लीजिएगा, अगल बगल इतना सारा घर है ना, पूछ लीजिएगा किसी का आया होगा जिसके जगह टंकी पूछ लीजिएगा। और देखिए पहाड़ पे चढ़ चुके हैं जनाब, और इधर से पूरा अपना घर दिखता है। यहाँ खड़े होने वाला देखिए पूरा अपना घर वो दिखता है खपड़े वाला। ये देखिए पूरा पैर में कांटा कांटा लग चुका है। दोस्तों काफ़ी दिनों से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते हम लोग थक चुके हैं। दोस्तों हम लोग का जमीन है और हम लोग के जमीन के ऊपर जो हमारे जो पटदार हैं अवैध तरीके से कब्जा करके रखे हुए हैं, तो वो लोग मतलब मारने आ रहे हैं, काटने की धमकी दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं। हम लोग पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग उनसे मतलब कानूनी तरीके से लड़ सकें। तो दोस्तों अब भगवान को ऊपर छोड़ देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब इससे आगे हम लोग मतलब नहीं उनसे कह सकते हैं, न लड़ सकते हैं। दोस्तों एक दुकान पे काम करते थे, वही हमारे आय का स्रोत था और वही बंद हो चुका है। 20-25 दिन से कोर्ट कचहरी के चक्कर में काम पे भी नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों एक रुपये का इनकम नहीं है और खेती बाड़ी का टाइम आ चुका है, तो खेती बाड़ी भी कराना है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, तो सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैमिली को लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। खेती बाड़ी के समय आ गए, इतना दिन तक हमारे बाबू धावना धुपना है, कोर्ट कचहरी धावना है, थाना धावना है, धावत धावत उनकर तबीयत खराब हो गई। अब खेती बाड़ी के समय आ गए, अब कौन जीवन की व्यवस्था करें या खेती बाड़ी हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है हम लोगों के साथ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, क्या करें क्या ना करें। इनकम एक भी पैसे का नहीं है, आय का स्रोत कोई है ही नहीं हम लोग के पास, जो था वो भी मतलब बंद हो चुका है। तो अभी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए हम लोग जो जैसा है उसे छोड़ देते हैं, जो भी होना रहेगा अब होगा, क्या कर सकते हैं इसके आगे। तो मतलब हम लोग पास पैसा है नहीं कि अब ज़्यादा लड़ सकते हैं। ऊपर वाला के भरोसे छोड़ा गए, जब हमार ऊपर वाला शक्ति अपन लगाई है तब हमसे मिली। वो तो सुबह निकलते थे और शाम को आते थे, बिना खाए हुए निकल जाते थे और शाम को आते थे, पूरा मतलब पूरा दिन परेशान रहते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इतना दौड़े धूपे लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे वाले लोग हैं, हम लोग को दबा दे रहे हैं, तो हम लोग अब इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द अपने वाइफ का फेस रिवील करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग मतलब ऐसे नाराज ना होइए, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं आप लोग। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, सारी सच्चाई आप लोग के सामने बता देते हैं, फिर भी आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो दोस्तों अपने भाई के ऊपर अपना प्यारा स्वाद बनाए रखिएगा। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, भाई का चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो तक पहुँचती रहे। जय हिंद।